हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और डिफेंस के तरफ से जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। AAC साउथ सेंटर में आपका ऑफलाइन वैकेंसी आई है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑफलाइन है तो क्या सब प्रोसीजर है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म कहां मिलेगा ऑफलाइन, आपको सारा कुछ बताने वाली हूं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो डिफेंस सेक्टर में, अगर जाके आप सर्व करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि इंडियन आर्मी में AAC साउथ सेंटर की ऑफलाइन वैकेंसी आई है। वेरियस पोस्ट, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं किन किन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, कुक, MTS, ट्रेड्समैन, मेट, क्लीनर, सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर, व्हीकल मैकेनिक एंड सिविल मोटर ड्राइवर, मतलब इतने सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है पोस्ट वाइज। फायरमैन की पोस्ट के लिए 10th पास आउट कैंडिडेट, साथ ही साथ लीडिंग फायरमैन के लिए भी सिर्फ 10th पास आउट हो तो इलिजिबल रहोगे। वहीं पर अगर फायर इंजन ड्राइवर की बात करें, 10th पास आउट होने के साथ ही आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक की पोस्ट के लिए 10th पास आउट, मतलब कुक, MTS, ट्रेड्समैन, मेट एंड क्लीनर, इन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास आउट कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10th प्लस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन केटरिंग होगा, वही अप्लाई करेंगे। व्हीकल मैकेनिक वालों के लिए 10th पास आउट प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 10th प्लस हेवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन वगैरह बताया है, ये आप एक बार अच्छे से डाउनलोड करना मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका नोटिफिकेशन, उसमें थॉरो आउट अच्छे से एक बार रीड कर लेना आप। चलिए बता देती हूँ एज की लिमिट क्या रहेगी। तो देखिए, फायरमैन से लेके व्हीकल मैकेनिक तक के जो भी पोस्ट है उसके लिए आपका 18 to 25 years, एज ऑन 2 February 2024 आपका 18 से 25 वर्ष है तो आप इलिजिबल रहोगे। सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, एज ऑन डेट 2 February 2024। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट, कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है और एज की लिमिट। आगे बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब से कब तक आप अपना जो है फॉर्म फिल करके स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट के मीडियम से कब तक भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है 13th of January से, और लास्ट डेट है आपका जो पहुंचेगा एप्लीकेशन वहां पे आयोग के पास 2 February 2024। तो रिस्क नहीं लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके डाक के मीडियम से आप अपना फॉर्म भेज दो। और हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करोगे ऑफलाइन है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, वहां पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अभी जो भी प्रोसेस बताऊंगी उसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन आपका मेजर 5 स्टेज पे डिपेंडेबल है, बट पोस्ट वाइज, जैसा कि यहाँ पर MTS की पोस्ट है तो इसके लिए सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, DV एंड मेडिकल होगी। बट वहीं पर अगर दूसरे पोस्ट की बात की जाए तो कुछ पोस्ट के लिए आपका फिजिकल है, जिसमें PET, PST होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। हाइट आपका मेजर किया जाएगा, चेस्ट मेजरमेंट होगी, रनिंग वगैरह कराया जाएगा। वहीं पर जैसे अलग अलग पोस्ट देख सकते हो, अब कुक की पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा कि आपको कुकिंग आती है कि नहीं आती है, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या रहने वाली है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस जो होंगे ना 200 questions 200 marks के लिए, टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं,
तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, ये दोनों पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जो दोनों जिन भी कैंडिडेट का स्ट्रांग होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है, जिनका मैथ रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग है उनको इस पे वर्क करने की जरूरत है। चलिए लास्ट सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 200 प्रश्न है, 200 नंबर के लिए समय 2 घंटे का मिलेगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 का है। आई होप एग्जाम पैटर्न आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए जैसा आपको बताया कि फिजिकल भी होगा, तो फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन एंड लीडिंग फायरमैन, तीनों के लिए आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, हाइट की मेजरमेंट होगी, तो मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है ना 165 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है 81.5 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर के लिए, वेट मिनिमम आपका 50 केजी होना चाहिए, और रनिंग जो होगी ना आपको 65 केजी वजन उठाना है, उसके साथ 183 मीटर की रनिंग होगी आपको 96 सेकेंड में। तो इस पार्ट पे थोड़ा फोकस करिएगा, नोटिफिकेशन में एकदम अच्छे से देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या रनिंग है, सब कुछ की प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर का, और फिर क्लाइंबिंग होगी 3 मीटर्स के लिए। सो दिस इज योर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग जो भी मैंने आपको बताया है। अब रही बात फ्रेंड्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप भेजोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन जो है डाउनलोड करोगे, फिर उसको फिल करके और भेजोगे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का आपको जो है भेजना रहेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी करा के भेजेंगे वो सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब उस पर आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट्स पे। आपके आधार कार्ड का जेरोक्स चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय का फोटोकॉपी लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों का एक एक कॉपी ले लेना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा आपने देखा है बहुत सारे पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो नहीं भेजना है, जेरोक्स कॉपी निकाल के उस पर साइन करके और सबको भेजना है। लास्ट आपका है कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और ये आपका टोटल 6 चीज है, मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से एक बार आप देख लेना। और फ्रेंड्स अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा, मतलब लिखा हुआ रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके आगे एक ब्लैंक स्पेस होगा, तो जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसका नाम लिख देना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें ना 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना अलग अलग पेन से आपको फॉर्म भरने के लिए बताया गया, जैसे कि जिनका भी ना 10th में परसेंटेज 50 से कम होगा वो रेड इंक वाले पेन से लिखेंगे, फ्रॉम 51 टू 60%, जिनका 51% से 60% के बीच 10th का मार्क्स है परसेंटेज में वो ब्लू इंक पेन से लिखेंगे, और जिनका भी 61% से ज्यादा परसेंट है 10th में वो सब ब्लैक इंक पेन से लिखेंगे। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे। और रही बात फ्रेंड्स कि आप जब सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, देखिए सैलरी आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट है, स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 रुपीज से, आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस आपकी सैलरी 63,000 के अप्रॉक्स हो जाती है। तो सैलरी का टेंशन नहीं लेना है, अपना जो है अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, सब भर के जितना जल्दी हो सके डाक से भेज दीजिए। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 71 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आई होप सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। और जैसा कि आपको मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जो ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन है तो आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैंने वहां पर पोस्ट कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।